घोटा में सुबह बड़ा हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में एक बाइक और कार में जबरदस्त टक्कर हुई। वहीं इस दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। मैदानी राज्यों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों और मतदान का दौर खत्म होने के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं। शिमला, मनाली, कसौली, चायल और किन्नौर सैलानियों से गुलजार हैं। वहीं होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90 फीसदी तक चल रही है। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 71 फीसदी मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके आंकड़े जारी किए। मंडी संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 73, हमीरपुर में 72, शिमला में 71 और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में सबसे कम 68 फीसदी मतदान हुआ। बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हर माह मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आंशिक बदलाव कर एक नया मेन्यू भी स्कूलों को जारी कर दिया है। वहीं स्कूल प्रबंधकों को इसकी पालना करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। 4 जून सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और एक घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के 31 मतगणना केंद्रों पर करीब 4000 कर्मियों की तैनाती की है। मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ मंडी जिले में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। संसदीय क्षेत्र के कुल 17 हलकों में से 8 में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा महिलाएं मतदान करने पहुंची। मंडी शहर में रात के अंधेरे में चोरों ने बाइक उड़ाई, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। प्रदेश में 7 जून तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान गरज के साथ बौछारें पड़ने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिला कांगड़ा में गग्गल के अब्दुल्लापुर गांव के केशव अवस्थी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बने। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। बढ़ती गर्मी और हीटवेव के चलते 3 जून और 4 जून को सिरमौर के ग्रीष्मकालीन स्कूल, निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने आदेश किए जारी। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा के इस्तीफे स्वीकार कर दिए हैं। रोजाना प्रदेश के हर कोने से आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में जंगलों में आग लगने की 29 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 177.11 हेक्टेयर जंगल राख हुए हैं। पिछले 3 साल में लगातार महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में इस साल अप्रैल तक यानी 4 महीनों में 5078 महिलाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। वहीं साल 2023 में 13333 महिलाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं। लोकसभा चुनावों में सुक्खू सरकार के 9 मंत्रियों में सबसे अधिक 75.48 फीसदी मतदान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के हल्के जुब्बल कोटखाई में हुआ है। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विधानसभा क्षेत्र कसुम्पटी में सबसे कम 61.33 फीसदी मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के मतों की गणना पीजी कॉलेज ऊना में होगी। डीसी ऊना ने मतगणना के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त जतिन लाल अधिकारियों के साथ पीजी कॉलेज पहुंचे। सोलन में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कूड़ो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हिमाचल के खिलाड़ियों ने कुल 28 मेडल जीते। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 71 फीसदी मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मंडी संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 73, हमीरपुर में 72, शिमला में 71 और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में सबसे कम 68 फीसदी मतदान हुआ। एक निजी शिक्षण संस्थान पपरोला के 10वीं कक्षा के छात्र की घर पर नहाने के दौरान गिरने से मौत हो गई। इस घटना के बाद जहां मातम का माहौल छा गया, वहीं स्कूल में उसके सहपाठी भी इस हादसे से सदमे में आ गए। जिला कुल्लू में रामशिला पतली कुहल सड़क मार्ग पर सीमेंट से लदा एक ट्रक सड़क से नीचे लुढ़क गया। ट्रक सड़क से नीचे पार्क एक गाड़ी पर गिरा। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। वही ट्रक चालक हादसे में घायल हुआ। जिला सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में गर्मी के कारण मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मरीज को पर्ची काउंटर से लेकर हर जगह अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। चुनाव नतीजों से ठीक एक दिन पहले जनता पर महंगाई का डबल अटैक हुआ है। मदर डेयरी के दूध की कीमतें बढ़ी, वही टोल प्लाजा के रेट में भी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़े वाला है। देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर की विधायकी चली गई है। हालांकि निर्दलीय विधायकों का कहना है कि फैसला भले ही देरी से आया पर सही फैसला आया है। इसके बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में अब जल्द ही 3 सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। जिला हमीरपुर में ग्राम पंचायत लमलू व चमनेट के बाद अब 2 और पंचायतों में डायरिया फैला। ग्राम पंचायत बफड़ी व ग्राम पंचायत गसोता में भी डायरिया ने अपने पाँव पसारे। कुल मरीजों की संख्या 207 है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 163 है। वही 4 लोग अस्पताल में दाखिल। विधानसभा क्षेत्र शाहपुर की वो घाटी स्थित खबरू महादेव झरना आस्था के साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अपनी पहचान बना रहा है। क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ों से कलकल बहता झरना गर्मी में लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। यहां पर रोज पंजाब सहित हिमाचल के कोने कोने से सैलानी पहुंच रहे हैं। एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन कुल्लू की मासिक बैठक सोमवार को ढालपुर में हुई। इसकी अध्यक्षता संगठन की महिला अध्यक्ष धनवंती ठाकुर ने की। बैठक में गुरिल्लाओं की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। अखिल भारतीय गुरिल्ला संगठन के चेयरमैन प्रीतम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के कुल्लू चैप्टर ने ध्यान कार्यक्रम करवाया। शाढ़ाबाई में आयोजित कार्यक्रम का सोमवार को समापन हुआ। इससे पहले 4 दिन तक संस्था के योगाचार्यों ने प्रदेश और बाहरी राज्यों से आए 107 प्रशिक्षुओं को योग और ध्यान की विभिन्न क्रियाएं सिखाई।
चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक 8 जून को प्रधान चंद्र सहगल की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी सदस्यों से आह्वान किया है कि निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित रहे। ग्रीन क्लब राजगढ़ की ओर से 7, 8 व 9 जून को राजगढ़ के नेहरू मैदान में राज्य स्तरीय शिरगुल देवता लोक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में तीनों दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा और इस बार इस लोक उत्सव को नया रूप देने का प्रयास ग्रीन क्लब की ओर से किया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को जब यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया। शिमला लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने जीत का दावा किया, वहीं उन्होंने प्रदेश भाजपा नेतृत्व का आभार जताया। बालसा इलेक्ट्रिकल, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश में आपका भरोसेमंद इलेक्ट्रिकल शॉप। सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल आइटम्स, हैवेल्स, केईआई, बजाज, फाइनलेक्स, क्रॉम्पटन, इंडो, विहान और पथ फिलिप्स किफायती दामों पर। आज ही आए और सबसे बेहतरीन डील्स पाएं।